हेलो बच्चों, बचपन में आपने दिवाली में सांप वाले पटाखे तो जलाए थे, आज मैं उसको आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, जैसे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिमसी टैबलेट है, इसके हद से आप वो सांप वाले पटाखे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे डालने वाला हूँ। अभी देखो, इसको जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सैनिटाइजर का हेल्प लेंगे। इसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर मिला देते ताकि इसमें आग लग सके। सैनिटाइजर में एक्चुअली होता क्या है, इथाइल एल्कोहल होता है, और वो इथाइल एल्कोहल क्या होता है, उसको हम लोग आराम से जला सकते हैं, उसे आग लगाया जा सकता है। तो चलिए उसको जलाते हैं और देखते हैं फिर वो क्या होता है। तो देखो, इसमें आग लग चुका है। अब धीरे धीरे आप देखोगे यहां से आपको वो सांप बनते हुए दिखेंगे। और ये देखो, सांप बनना स्टार्ट हो चुका है। चलिए समझते हैं इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है कि लिमसी टैबलेट में होता है सुगर, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और जब हम इसको बर्न करते हैं तो एक्चुअली वो होता क्या है, वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो तो जब वो ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में रहता है तो उसमें क्या होता है, उसका कंप्लीट बर्निंग होता है और उससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, और जिसकी वजह से ये जो स्नेक था ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर रहा था। और देखो, जब ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका पूरा कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाता है और जिससे प्रोड्यूस होता है कार्बन, और ये कार्बन ही जो था ये आपको ये स्नेक के फॉर्म में दिख रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा था, इसको ऊपर की तरफ लेके आ रहा था। मतलब यहाँ पे दो चीज हो रहा था, जो हाइड्रोकार्बन थे उसका कंप्लीट बर्निंग भी हो रहा था और कुछ इनकम्प्लीट बर्निंग भी हो रहा था। इनकम्प्लीट बर्निंग कार्बन प्रोड्यूस करा रहा था जिसकी वजह से ये स्नेक बना, और जो कंप्लीट बर्निंग था उससे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बना जो इसको ऊपर आने में हेल्प कर रहा था, और इससे बना ये स्नेक। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।